आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें परसेंटेज इन मोमेंटम दिया हुआ हो, परसेंटेज इन मोमेंटम दिया हुआ हो तो उससे हम परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लो, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। तो परसेंटेज, इसके लिए दो फार्मूले हैं। एक तो ये है कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 × परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला देख लें। अगर सपोज परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम दिया वो, फिर परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 × परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम नफी एन स्क्वायर। अब यहाँ पर एन क्या है, एन जो है जितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन मोमेंटम दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। अब एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। अब सपोज करते हैं हमें परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम जो है वो 50% दिया हुआ है। तो सबसे पहले एन की वैल्यू मालूम करते हैं। परसेंटेज इन मोमेंटम कितना है, 50% है सपोज, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 5 वैल्यू आएगी। अब उसके बाद अगर सपोज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम है तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, तो फार्मूला ये देखें, ये वाला फार्मूला, ए वाला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम कितना है सपोज 50% है, प्लस 5 का स्क्वायर आएगा। तो ये कितना आएगा, 100 प्लस 25 कितना जाएगा, 125। अगर इसी तरह ये परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम होता तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे, एन की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पर थी। तो उसी हिसाब से परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 × 50 मनफी 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 100 मनफी 25 इज इक्वल टू 75 आएगा, 25% और ये 75% आएगा।